मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर इंग्लिश वन क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 11, इफ आई वर एन एप्पल नोटबुक एक्सरसाइज। नाउ वी स्टार्ट। फर्स्ट वी डू न्यू वर्ड्स। यहाँ पे जो वर्ड्स, कुछ वर्ड्स है उसको आपको रीड करना है। फर्स्ट वन इज ए डबल पी एल ई एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल। सेकेंड इज जी आर ई डब्ल्यू ग्रू, जी आर ई डब्ल्यू ग्रू मतलब बड़ा होना, जी आर ई डब्ल्यू ग्रू, ग्रू मतलब बड़ा होना। थर्ड इज टी आर डबल ई ट्री, टी आर डबल ई ट्री। फोर्थ इज डी आर ओ पी ड्रॉप, डी आर ओ पी ड्रॉप। फाइव नंबर इज एन आई सी ई नाइस, एन आई सी ई नाइस मतलब अच्छा। देन सिक्स नंबर इज एनओ नो एंड बी ओ डी वाई बॉडी, नो बॉडी, एनओ नो बी ओ डी वाई बॉडी, नो बॉडी, नो मतलब नो बॉडी मतलब कोई भी नहीं। देन सेवन नंबर इज जी आई वी आई एन जी गिविंग, जी आई वी आई एन जी गिविंग, जी आई वी आई एन जी गिविंग। एट नंबर इज एफ ए डबल एल फॉल, एफ ए डबल एल फॉल मतलब गिरना, एफ ए डबल एल फॉल। नाइन नंबर इज डी ओ डब्ल्यू एन डाउन, डी ओ डब्ल्यू एन डाउन मतलब नीचे। देन टेन नंबर इज ओ एन सी ई वंस, ओ एन सी ई वंस। नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन इज राइमिंग वर्ड्स, जो आपने पहले भी किए हैं। फर्स्ट राइमिंग वर्ड इज टी आर डबल ई ट्री, राइमिंग वर्ड ऑफ ट्री इज फ्री, ट्री फ्री, एफ आर डबल ई फ्री, T R double E tree, F R double E free. Then two number is J O Y joy. Rhyming word of joy is B O Y boy. J O Y joy, B O Y boy. Third is T A double L tall. T A double L tall. Rhyming word of tall is F A double L fall. Tall, fall. Then four is S O N G song. Song का rhyming word L O N G long. Song. Long, song, long. Question number two, missing letter. First is dash and der. तो यहाँ पे this is spelling of under. We write here u, u and der under, u and der under. आपको जो blank है वहाँ पे लिखना है u, u and der under. The second is th dash and k. This is the spelling of think. T H I N K, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, we write here I, T H I N K think. And third number is W A dash E R M E L O N, this is the spelling of watermelon. आपने खाया होगा watermelon, the spelling होती है W A T E R, तो यहाँ पे हम लिखेंगे T, W A T E R M E L O N, watermelon. Then four number is C dash C O N U T. This is the spelling of coconut. तो हम यहाँ लिखेंगे O. C O C O N U T coconut. C O C O N U T coconut. Question number three. Fill in the blank. यहाँ पे blank से आपको fill करना है. First is I F if I W E R D word a V I R D word I W O U N D wood dash. अगर मैं बर्ड होता तो मैं क्या करता, बर्ड क्या करते हैं, बर्ड फ्लाई करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे है एफ एल वाई फ्लाई. इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, एफ एल वाई फ्लाई. सेकेंड इज इफ आई वर अ बी डबल ई बी आई वुड, अगर मैं बी होता तो मैं क्या करता, I W O U N D B U double Z buzz, जो B की साउंड होती है buzz होती है, तो अगर मैं B होता तो I would B U double Z buzz, B U double Z buzz. Third is if I were a hen, अगर मैं hen होता तो hen क्या करते, hen करते C L U C K cluck, तो I would C L U C K cluck, I would C L U C K cluck. If I were a hen, I would cluck. Then four number is if I were a crow, C R O W crow. तो crow की sound क्या होती है, C A W cow. तो if I were a crow, I W O U L D would
काउ, क्या करता हूँ मैं, काउ करता हूँ। इफ आई वर अ क्रो आई वुड सी ए डब्ल्यू काउ। देन नाइन नंबर इज इफ आई वर अ पी आई जी ई ओ एन पिजन। इफ आई वर अ पिजन आई वुड सी डब्ल ओ कू। अगर मैं पिजन होता तो मैं क्या करता, कू करता, मेरी साउंड होती कू। इफ आई वर अ पिजन आई वुड कू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, क्लासीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नेम्स दिए हैं, आपको इनको क्लासीफाई मतलब अलग अलग करना है, फ्रूट्स को अलग करना है और वेजिटेबल को अलग करना है। तो फ्रूट्स, फ्रूट्स में देखो पोटैटो इज अ वेजिटेबल, तो हम यहाँ वेजिटेबल के नीचे लिखेंगे POTATO पोटैटो। फर्स्ट में पोटैटो दिया है तो हम ये वेजिटेबल है तो वेजिटेबल के नीचे लिखेंगे। सेकेंड इज MANGO मैंगो, मैंगो क्या है, मैंगो इज अ फ्रूट, वी राइट हियर, फ्रूट के नीचे आपको लिखना है MANGO मैंगो। थर्ड इज CABBAGE कैबेज इज अ वेजिटेबल, कैबेज फ्रूट नहीं है वो क्या है, वेजिटेबल है, तो हम वेजिटेबल के नीचे लिखेंगे। थर्ड इज, फोर्थ नंबर इज BANA बनाना, BANA बनाना, बनाना क्या है, फ्रूट है, तो हम फ्रूट के नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट APPLE एप्पल, एप्पल इज ऑल्सो अ फ्रूट, तो ये भी आपको फ्रूट के नीचे लिखना है। देन CAULIFLOWER कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर इज अ वेजिटेबल, तो आपको यहाँ वेजिटेबल के नीचे लिखना है। देन BEANS बीन्स, बीन्स इज ऑल्सो अ वेजिटेबल, ये भी आपको वेजिटेबल के नीचे लिखना है। देन ब्रिंजल, BRINJAL ब्रिंजल, ब्रिंजल भी आपको वेजिटेबल के ही नीचे लिखना है। देन GRAPES ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या है, ग्रेप्स इज अ फ्रूट, आपने खाया होगा ग्रेप्स, ग्रेप्स इज अ फ्रूट। ओके, देन नेक्स्ट इज ORANGE ऑरेंज, ऑरेंज को आपको फ्रूट के नीचे लिखना है क्योंकि ऑरेंज भी एक फ्रूट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज वेयर इज द एप्पल, एप्पल कहाँ होते हैं, आपने देखा एप्पल ऊपर ट्री के ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं, एप्पल होते हैं ट्री पर होते हैं। द आंसर इज द APPLE एप्पल, द APPLE एप्पल, IS इज ON THE TREE tree, the apple is on the tree, the apple is on the tree. Second is WHERE, where is the BOY boy, boy कहाँ पे था, आपने पोयम में देखा था, the boy is under the apple tree, boy कहाँ था, apple tree के नीचे बैठा हुआ था। the BOY boy is UNDER under, UNDER under the APPLE apple, TREE boy is under the apple tree. Question number 3, how can the boy, BOY boy, GET get THE APPLE apple, how, WHOW, how, बॉय को एप्पल किस तरह से मिलेंगे, द आंसर इज WHEN वेन द APPLE एप्पल, FALLS फॉल्स, DOWN डाउन, FROM फ्रॉम, TREE वेन द एप्पल फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री, जब ट्री में से एप्पल नीचे गिर जाएंगे तो बॉयज को एप्पल मिल जाएंगे, द आंसर इज वेन द एप्पल फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री, when the apple falls down from the tree. Question number 4, do you like eating apples, क्या आपको एप्पल खाना अच्छा लगता है, तो आंसर इज यस, यू हम चेंज करेंगे आई में, आई लाइक ईटिंग, आपको क्वेश्चन में से लिखना है आई देन लाइक ईटिंग एप्पल्स, आपको यू को चेंज करके और ये थ्री वर्ड्स सेम टू सेम नीचे लिखने हैं, यस आई लाइक ईटिंग एप्पल। फाइव क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज हैव यू EVER एवर CLIMBED क्लाइम, CLIMBED क्लाइम्ड अ FRUIT फ्रूट, TREE हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, क्या कभी आप पेड़ पे चढ़े हो, आप तो छोटे हो आपने कभी नहीं चढ़े होंगे, आंसर इज नो, NO IHEVE हैव नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं, नो आई हैव ANYEVER नेवर क्लाइम्ड CLIMBED क्लाइम्ब अ फ्रूट ट्री, आंसर नो आई हैव नेवर क्लाइम्ब अ फ्रूट ट्री।
ओके सो हियर वी कंप्लीटेड अवर लेसन नंबर 11. यू हैव टू राइट इन योर इंग्लिश वन नोटबुक. थैंक यू.